गुड मॉर्निंग आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आप सबका स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल में हम पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। बेसिक मतलब इतना लेवल कि भले ही आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता हो, मतलब कि भले ही आपने 12th तक पास कर ली हो और इंग्लिश में आपको टेंस का अगर ये भी पूछे कि कौन से टेंस होते हैं, क्या यूज होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, कुछ नहीं पता हो, वहाँ से लेकर एडवांस लेवल यानी कि आप SSC की CGLs हो या CPO हो या बैंकिंग के PO, बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम से लेकर स्टेट लेवल के सारे एग्ज़ाम्स, ठीक है, मतलब कंपटीशन लेवल के कोई भी एग्ज़ाम्स, साथ ही साथ स्कूल के 9th से लेकर 12th तक की जितनी भी इंग्लिश ग्रामर है वो भी मैं इस यूट्यूब चैनल पर इसी के अंदर साथ में पढ़ाऊँगा। ठीक है, और मैं मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस ये कर बता देता हूँ। मेरा नाम मांगीलाल है, ठीक है, मैं राजस्थान से हूँ, सिरोही डिस्ट्रिक्ट से। मैं वैसे तो मतलब ये कहना चाहूँगा कि मेरी इंग्लिश में अच्छा इंटरेस्ट है और मुझे पढ़ाने का शौक़ भी है और इंग्लिश में मेरी पकड़ काफ़ी अच्छी है, वोकैब हो, ग्रामर हो और स्पीकिंग पे भी काफ़ी अच्छी पकड़ है मेरी। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका एक बेस ये भी है कि मैंने इंग्लिश पढ़ाई हुई है, कई बार पढ़ाई हुई है, 4 से 5 बार कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई हुई है लोगों को, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और मुझे पता है कैसे पढ़ाते हैं और कहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी आ गया और ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इस हिसाब से आप ट्रस्ट कर सकते हो और कंप्लीट इंग्लिश इस चैनल पर पढ़ाई जाएगी। तो मैं इस चैनल पर आपको क्या पढ़ाऊँगा वो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम कल से नेक्स्ट वीडियो में हम सीधा पढ़ाई की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। तो हम इस चैनल पर हम इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट टेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, थर्ड वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, एक नरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, इसके अलावा दूसरे भी टॉपिक्स आते हैं जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के साथ में ही एक इसी के अंदर आता है फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है, आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शंस, वर्ब्स, ये वर्ब्स टॉपिक है इसके अंदर, मतलब वर्ब तो आपको पता ही क्या होता है लेकिन वर्ब्स टॉपिक के मतलब जो अलग से होता है कंपटीशन एग्जाम में वो उसमें होता है, एक तो होता है जीरंड, एक होता है पार्टिसिपल्स,
पार्टिसिपल और एक होता है इन्फिनिटिव वर्ब। और कौन से टॉपिक बाकी रह गए? एक टॉपिक और छोटा सा ही है, क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो और एक और छोटा सा टॉपिक मॉडल्स। और तो क्या बाकी रहे, लगभग सभी आ गए हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स टॉपिक है, मतलब अगर ग्रामर कहे इंग्लिश में तो लगभग इसके अंदर सारी ग्रामर आ जाती है, जिसको हम लाइन से एक के बाद दूसरे, एक के बाद दूसरे पढ़ेंगे। क्योंकि लगभग कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आप टेंस पढ़ोगे तो टेंस का उपयोग कंडीशनल सेंटेंस में होगा। ठीक है, और जब टेंस पढ़ लिए तो ये और ये वाले दो टॉपिक्स साथ में कवर हो जाएंगे। ठीक है, मॉडल्स है, मॉडल्स पढ़ लिए तो ये कि ये मॉडल्स वर्ब्स के अंदर भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच, ये सिंपल ही है। और क्वेश्चन टैग्स आधे घंटे का टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है, ये दोनों, ये 50% समान ही है, ये और ये, इसका थोड़ा थोड़ा जब तक मतलब पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आएंगे तो थोड़ा 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 इसके बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा। जब हम पढ़ेंगे तो अलग से पूरा पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, तो ये तो ग्रामर के टॉपिक है। ठीक है, जब इन ग्रामर के टॉपिक को जब एडवांस लेवल में बैंकिंग में पूछा जाता है तो फिर इन सब का कंबाइंड करके फिर टॉपिक्स बनते हैं और उनको बैंकिंग में पूछा जाता है। जैसे कि एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस, सेंटेंस कनेक्टर। ठीक है, और भी दूसरे कुछ होते हैं। ठीक है, ये बैंकिंग लेवल में पूछे जाते हैं। ये सारा कुछ आपको तभी आएगा जब आप इंग्लिश के सारे टॉपिक्स, ग्रामर जब आपको अच्छे से कवर है तब ये टॉपिक्स आ जाएंगे आपको। ठीक है, और ये बैंकिंग लेवल के हैं। बैंकिंग में डायरेक्ट ग्रामर नहीं पूछी जाती, इसके थ्रू पूछी जाती। एक और होता है एरर, एरर स्पॉटिंग, मतलब एरर फाइंड आउट करना, और वो तभी निकलेगा जब आपको ग्रामर आती होगी। ठीक है, तो मैं इस चैनल पर आपको ये सारा कुछ बेसिक से, जिसको इंग्लिश में, वो लड़का भी जिसको इंग्लिश से हमेशा से डर लगता आया है उसको लिए भी, और वो भी जिसके कोचिंग तो कर लिए लेकिन फिर भी इंग्लिश उसको समझ में नहीं आई, क्योंकि इंग्लिश कोचिंग में जाते तो फिर वो ये मान लेते कि 12th पास करके आया है, क्योंकि जनरली 12th पास करके कोचिंग जाते हैं या कॉलेज पास करके कोचिंग जाते हैं। तो आपको तो पता ही है कि राजस्थान में हालात कैसे हैं, मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है तो लगभग 90% चांसेस हैं कि 100 में से 90 लोगों की, बच्चों की इंग्लिश वीक ही होती है, क्योंकि बेसिक से कोई पढ़ाता नहीं है। और जब इंग्लिश पढ़ने के लिए बाहर कोचिंगों में बाहर वगैरह जाते हैं तो सब कहते हैं कि आपने 12th तक पढ़े, ये तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता। ये सब के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, पर चलो जिस तरीके से मुझे मेरे सर ने पढ़ाया, मुझे समझ में आया और मुझे हेल्प मिली, ठीक है, उसी तरीके को मैं डेवलप करके एडवांस लेवल के मेरे खुद के तरीके को इसमें ऐड करके इस यूट्यूब चैनल पर मैं कंप्लीट पूरी पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको मतलब धैर्य के साथ पढ़ना होगा, ऐसे नहीं कि एक दो वीडियो देखा और फिर कहते हो कि नहीं मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। जुड़े रहना होगा, मैं जो टास्क दूंगा कि नहीं, ये अगर मान लो जैसे कि मैं टेंस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और टेंस टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा कि चलो मैंने एक ये टेंस पढ़ा लिया, इसके बाद ये आप 6-7 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखूंगा कि इन वाक्यों को आप हिंदी से इंग्लिश करो या इंग्लिश से हिंदी करो। ठीक है, तो आपको करना है। ठीक है, मतलब आप खुद करोगे तो सीखोगे, क्यों करना है आपको ही है।
ठीक है, तो आप विश्वास के साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल से और मन लगा के पढ़िए, आपको 100% फायदा होगा ही इसके साथ। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो से हम कोई बातें कोई इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे नहीं और सीधा पढ़ाई ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आप सबको थैंक यू, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको प्रणाम।